दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे किसी भी गीजर का कितना बिजली बिल आएगा, कैसे जाने कैसे कैलकुलेशन करें। चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे कितना वाट का हो, चाहे आप कितना वोल्टेज उसको दे रहे हैं, इन सब को आज इस वीडियो में फार्मूला पूरा डिटेल्स में देखेंगे जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी भी गीजर का बिजली बिल कैसे पता करें, कितना होगा कितना देर में, तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी गीजर का एक वाटेज होता है। बहुत सारे ऐसे गीजर हैं जो 1000 वाट में बनते हैं, छोटे हैं तो बहुत से 1500 वाट बनता है, बड़ा गीजर 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट। बहुत से इंस्टेंट वाटर गीजर होते हैं जो 4000 वाट, 4500 वाट के भी होते हैं। चाहे आपका कितना हजार वाट हो, एक तो आपको किसी भी गीजर का वाटेज पता कर लेना है, दूसरा आप कितना वोल्ट उसको दे रहे हैं। बहुत से जगह पे 240 वोल्ट प्रॉपर मिलता है, बहुत से जगह पे 230 वोल्ट प्रॉपर मिलता है, बहुत से जगह पे 220 वोल्ट प्रॉपर मिलता है, बहुत से जगह पे 200 वोल्टेज मिलता है। तो एक आपको वोल्टेज भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा टाइमिंग, यानी गीजर को जब आप ऑन कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट में कितने देर तक लाइन जा रहा है। अब पूरे दिन में 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, एक वो टाइमिंग आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन सबको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो एग्जांपल मान लीजिए आपका गीजर 2000 वाट का है, आने के लिए तो 2500 वाट 1500 वाट भी आता है। तो यहाँ पे जो मैं समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से आपको समझना है। इस फॉर्मूले को समझने के बाद आप किसी भी गीजर का बिजली बिल निकाल सकते हैं, कितना देर में कितना यूनिट बिल आएगा, कितना देर चलाने पे। यहाँ पे सिंपल मान लेते हैं हमारा कोई एक गीजर 2000 वाट का है और वहाँ पे 230 वोल्ट लाइन आ रहा है जिससे चल रहा है। आपका वाटेज दूसरा भी हो सकता है, आपका वोल्टेज भी दूसरा हो सकता है। आपको तीन चीज़ चेंज होंगे इसके अंदर, जो फार्मूला बता रहे हैं इसके अंदर। आपका हो सकता है गीजर का वाटेज अलग हो, दूसरा आपका वोल्टेज अलग हो, तीसरा आपका टाइमिंग, यानी ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं कम यूज कर रहे हैं। तो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। एक और मैं वाटेज टाइमिंग और वोल्टेज चेंज करके आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। यहाँ पे मान लेते हैं ज़्यादातर मोस्टली यूज होता है 2000 वाट, लेकिन और भी वाटेज यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो 2000 वाट का एक गीजर है और वहाँ पे वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हमें करंट यानी एम्पेयर निकालना होगा। एम्पेयर निकालने के लिए सीधा सिंपल है कि 2000 वाट को आप डिवाइड कर लीजिए, यानी भाग दे दीजिए आपके वोल्टेज से 230 से, तो ये आपका 8.69565 इस तरह से आपका कुछ पॉइंट आएगा नंबर, लेकिन यहाँ पे 8.6 हम मान लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे रेजिस्टेंस एलिमेंट का, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका जो लोड है कि कितना आपका यूनिट बिल आएगा या कितना आपका लाइट चल रहा है, यहाँ पे खपत हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो वोल्टेज है उस वोल्टेज से भाग देना होगा आपके एम्पेयर में, जो आपका पावर था 8.6। जब यहाँ पे भाग देंगे तो ये आपका आएगा 26, यानी 26.74416 इस तरह से पॉइंट आएंगे। तो आप यहाँ पे सभी पॉइंट को हटा दीजिए, 26.7 को याद रखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको इसका जो लोड है यानी जो वाटेज है वो निकालना होगा और कितना देर चलाने पे। हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 घंटा यूज करेंगे, आपका अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 घंटा यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एम्पेयर है यानी 8.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, 8.6 × 8.6, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे हम जो 26.7 जो है हमारा रेजिस्टेंस उसके अंदर, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना घंटा यूज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं ना, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे,
अगर आपका तीन के जगह चार है, पाँच है, तो वो आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे तीन है, तीन करेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे तो ये आएगा हमारा 5924.196, यानी ये हमारा लगभग 6000 मान लीजिए वाटेज ये हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम 5924 रखेंगे और 5924 को फिर हम भाग देंगे 1000 से, क्योंकि जो बिजली बिल यूनिट बनता है वो 1000 के कैलकुलेशन यहाँ आपको भाग करना होगा। और जब 5924 को 1000 से भाग करेंगे तो ये 5.924 यूनिट आएगा, यानी 5 यूनिट, और 9 है तो इसको आप पूरा 0-0 समझ लीजिए, तो ये 6 यूनिट मान लीजिए आपके 3 घंटे में ये आएगा। आपका वाटेज जो है 5924 होता है और ये जो बिजली बिल है वो आपका 5 यूनिट आएगा जो मीटर के अंदर रीडिंग में आता है। लेकिन 3 घंटे में एक 25 लीटर का गीजर 6-7 बार ठंडे पानी को गर्म करता है फुल टंकी में। जो गर्म करने का टाइमिंग है उसका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है, उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और मैं एक दूसरा वाटेज और वोल्टेज के हिसाब से समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका 4000 वाट का गीजर है, इंस्टेंट गीजर हो या आपका स्टोरेज गीजर हो, कोई भी हो, 4000 वाट का है और वहाँ पे वोल्टेज आपका 200 है, तो सबसे पहले 4000 को भाग देंगे 200 से तो ये आपका 20 एम्पियर आएगा पावर। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट को भाग करेंगे आपके एम्पियर से यानी 20 से, तो यहाँ पे आपका 10 रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपको दो बार गुणा करना है आपके एम्पियर को, यानी 20 × 20 इस तरह कर लेंगे। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस है, फिर उसमें गुणा करेंगे 10। अब उसके बाद आपका यहाँ पे कितना घंटा चला रहे हैं उसको आपको जोड़ना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 घंटा चला रहे हैं तो गुणा कर लेंगे 5, ये आ जाएगा हमारा 20000 वाट, यानी यहाँ पे जो बिजली खपत हुआ 5 घंटे के अंदर 4000 वाट का जो हमारा गीजर है वो 20000 वाट हुआ। अब 20000 को फिर भाग दे देंगे यहाँ पे 1000 से, तो ये 20 यूनिट आपका बिजली बिल आया जो मीटर रीडिंग के अंदर होगा। आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बहुत सारे आपके गीजर होंगे, अलग अलग वाटेज, अलग अलग वोल्टेज, उसके अंदर सही आपको कमेंट रिप्लाई करना है, इसलिए इस चीज़ को एक बार स्टडी आप कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और उसमें आपको सही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।